वेलकम बैक टू होम विथ हेटर्स। दोस्तों मैं आज एक वीडियो जो बनाने वाला हूँ ना, ये मान लो पैसों का पेड़ लगाने जा रहे हैं। एक ऐसी लोकेशन जो जयपुर की है और आपको पोटेंशियल देगी, ग्रोथ देगी बहुत भारी मात्रा में। एक ऐसी लोकेशन जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़े इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा सहयोग रहने वाला है, उसकी ग्रोथ के पीछे उसका सहयोग रहेगा महिंद्रा सेज का। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के लिए हम प्लान कर रहे हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी जो 250 फीट सेज रोड, ये वाला जो रोड देख रहे हो आप मेरे सामने जाता हुआ, ये 250 फीट सेज रोड रहेगा आगे से आफ्टर द टेम्पल। उस टेम्पल के बाद में रोड के बीच में आपको मानसरोवर मेट्रो स्टेशन की तरह, जैसे आपने मेट्रो देखा उसी तरीके से यहाँ पे आजू बाजू में रोड, जैसा गोपालपुरा बाईपास पे आपने देखा कि इधर रोड है इधर रोड है बीच में मेट्रो है, सेम वैसा का वैसा प्रावधान यहाँ पे भी रहने वाला है। मैं इस प्रॉपर्टी को जो आज आपको लिंक करवाने वाला हूँ, ये रिंग रोड के कॉरिडोर से राइट में है, मतलब बाहर की तरफ है, अजमेर रोड के कॉरिडोर के लेफ्ट में है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, यह प्रॉपर्टी पूरी महिंद्रा सेज की है और महिंद्रा सेज में ही मैं जो आपको प्रॉपर्टी आज दिखाने वाला हूँ वो रहने वाली है 160 फीट रोड पे, एकल पट्टा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि मूव कर सकती है कॉमर्शियल के अंदर, मूव कर सकती है रेजिडेंशियल में, G+9 में एक्सेट्रा, जैसे आपकी प्लानिंग्स हो आप प्लान कर सकते हैं। कुछ PG, होटल, रेस्टोरेंट आप प्लान कर सकते हैं, वेयर हाउसेस, कुछ फैक्ट्री स्पेस, ETC वगैरह वगैरह। अब आपको मैं इस एरिया से पहले रूबरू कराऊंगा, रिंग रोड से होते हुए अजमेर रोड, फिर महिंद्रा सेज को रिकवर करते हुए हम चलेंगे 250 फीट सेज के द्वारा प्रोजेक्ट पे। तो चलिए आप मेरे साथ। आप मेरे साथ में जब पहले थे वो रिंग रोड का फेस था, मैं आपको इस फेस पे दिखाने लाया हूँ गेट नंबर 1 और 2 की तरफ, जहां रेजिडेंशियल एरिया महिंद्रा सेज के एंट्रेंस पे दिया हुआ है। डन भी, आप थोड़ा इधर से दिखाओ इनको, ये वाला, हाँ ये पूरा दिखाओ इधर सामने से, ये वाला भी दिखाओ, ये पूरा एरिया एज पर रेजिडेंशियल रहा जो कि रिंग रोड के फेस के बाहर रहा। अब आप जो ये एंट्री गेट मेरे सामने देख रहे हो ना, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन सेज उसमें कन्वर्टेड है। यहाँ एक चीज और अलग से लिखी हुई है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मींस जितनी भी IT सेक्टर से रिलेटेड कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं जो नॉन पॉल्यूटेड है, ये है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, केवल बना ही इसलिए है कि यहाँ पे वो एक्टिविटी की जा सके जिससे पॉल्यूशन ना फैलता हो। और ये कह सकते हैं कि यहाँ जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डिजाइन की जा रही है ऑल ओवर इंडिया में केवल 9 की गई है, 9 में से नॉर्थ इंडिया की यदि मैं बात करूं तो ये जो एरिया है जयपुर के महिंद्रा सेज का अल्टीमेट डेवलपमेंट है। मैं कह सकता हूं कि ये जो अपकमिंग प्लानिंग आ रही है ना, ये फ्यूचर है, बहुत तगड़ा फ्यूचर है। जैसे कोई टाइम पे दिल्ली NCR अपने आप में ग्रोथ किया हुआ था, आज की डेट में गुड़गांव वहां पे ज्यादा डेवलप है, ज्यादा डिमांडेबल है, दिल्ली के लोग खुद जाते हैं वहां पे, लाइक दैट। ये जयपुर का कुछ वैसा ही एरिया रहने वाला है। मैं आपको इस कनेक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ, अजमेर रोड से लगभग 3 किलोमीटर की यह दूरी जो महिंद्रा सेज को इस पैमाने से यदि मैं देखूं तो आड़ा काटता है। और ये वाला जो एरिया है जो खड़े में है, जो चौड़ाई में है, उसको बोलते हैं 250 फीट सेज रोड वाला एरिया, जो बेल्ट जहां से हमने शुरुआत की थी बात की। और उस 250 फीट सेज रोड पे भी मैंने आपको बताया भी मेट्रो का प्रावधान है। इस पूरे महिंद्रा सेज के अंदर अराउंड 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की ये वाली दूरी वाली लंबाई ये नजर आएगी अजमेर रोड से, कनेक्टिविटी इस रोड से है। अब आपको मैं इसकी सुंदरता दिखाते हुए लेके चलूंगा BRB कॉलोनी के लिए, जो 250 फीट सेज रोड पे खुलता हुआ प्रोजेक्ट है, और वहां पे एक यूनिक प्लॉट दिखाने वाला हूँ, ऐसा प्लॉट जो शायद इस रेटों में मिल ही नहीं सकता, लेकिन वो देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो। टू बी कंटिन्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये महिंद्रा सेज में इंफोसिस है और यह इंफोसिस केवल उदाहरण मात्र है। यहाँ पे IT से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड, रेजिडेंशियल से रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट हैं जो महिंद्रा सेज में डिजाइन हो चुके हैं। इसी रोड पे टू बी कंटिन्यू बनते हुए आने वाले डेवलपमेंट में आपको दिखाता हूँ। आप मेरे सामने जो देख पा रहे हैं भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है ये, जहां हम स्टार्टिंग में थे वो ये वाला 250 फीट सेज रोड था जहां हम रिंग रोड के पास में थे। रिसेंटली मैंने कुछ जो आपको व्यूज दिखाए वो महिंद्रा सेज के इस वाले रोड से थे, और इसी 250 फीट सेज रोड पे टू बी कंटिन्यू चलते हुए हम जाएंगे आगे की तरफ, जैसे भी प्लांट के जस्ट सामने हमारा VRB पलन प्ले के नाम से प्रोजेक्ट है। तो चलिए मैं आपको दिखा के लेकर आया। आप इस 250 फीट सेज रोड को भी ऐसा मत समझना कि भाई ये ऐसे ही मतलब वीरान है या कुछ बाहर की तरफ की प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे भी लोगों ने मूवमेंट लिया है, रेजिडेंशियल भी है, पीछे एक दो गवर्नमेंट कॉलेज भी गए हैं, जो गर्ल्स कॉलेज अलग है, बॉयज कॉलेज अलग है। फिर उसके बाद में आप देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ की प्रॉपर्टी इन लोगों ने यूज कर रखी है, एज पर कॉमर्शियल भी कर रखी है। देन
और यहाँ पे रेजिडेंशियल बसावटें भी हैं। इन सब लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ अब तक अपना फ्यूचर देखा वो ही प्लान कर पा रहे हैं। हाँ ये शॉर्टी है कि कुछ अलग प्रॉपर्टी उस तरह से हो गई कि एक्सटेंड है, जहां हम जा रहे हैं वो भी एक्सटेंड है, नो डाउट वो इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से ही प्रॉपर्टी रहेगी आपकी ये। लेकिन जो इस प्रॉपर्टी का ग्रोथ मिलने वाला है ना आपको, वो अल्टीमेट होगा। आप कहोगे ऐसा क्यों? हॉस्पिटलाइजेशन की मैं बात करूं तो यहाँ से आपका मेडिकल हब बिल्कुल नियर बाय पड़ रहा है, जो कि जयसिंहपुरा में, जयसिंहपुरा का ही पार्ट ये प्रॉपर्टी है जिसमें मैं भी रिसेंटली खड़ा हूँ। आप मेरे सामने वो जो आ रहा है नीरजा मोदी वाला स्कूल आ रहा है, आप उसको देखिए। मतलब ऐसी कोई स्कूल या कॉलेज जो सिटी में या जयपुर में या कहीं पे भी ऐसा अच्छे से डेवलप हो रखी है और अपना नाम कमा के बैठी हुई है, इस तरह के 10 से 11 स्कूल कॉलेज इस एरिया के नियर बाय में, मीन्स महिंद्रा सेल्स के सराउंडिंग में डेवलप होंगे। उसमें अपना नाम आता है, ऑर्किड पब्लिक स्कूल का भी आता है, उसमें सेंट जेवियर्स स्कूल कॉलेज का भी आता है, नीरजा मोदी का भी आता है, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का भी आता है, और जैसा कि मैंने आपको बीच में दिखाया आईटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज वो भी कुछ ऐसी है। आप मेरे सामने एक प्रोजेक्ट और देख पा रहे होंगे, द अर्बन विलेज। अर्बन विलेज के लिए मैं ये साफ कह देता हूँ कि ये अपने ग्राहकों के सामने विला और प्लॉट दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी प्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे क्यों लैंड देना जा रहा हूँ आपको मेरी प्रॉपर्टी में, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है, और बैक साइड एरिया से काउंट करूँ ना तो बैक टू बैक इसकी 2 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है हमारे प्रोजेक्ट से, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अंदर ही अंदर डेवलप हो रखा है। और ये लोग अपने ग्राहकों के सामने जो प्राइजेस पुट ऑन करते हैं वो अराउंड 28,000 के आसपास करते हैं, और इस प्रॉपर्टी से तो लगभग 8-10 हज़ार रुपए सस्ते में आपको प्रॉपर्टी दिखाने आज लेके जा रहा हूँ। ये जो आप मेरे सामने रनिंग रोड देख रहे हो, ये वही रोड है जो 250 फीट सेज रोड थी, और इस टाउनशिप के एंट्री गेट तक ये रहेगा, मीन्स यहाँ तक ये रोड रहेगी। आप जिस तरह के भारी वाहन आते हुए देख रहे हैं ये सदा आ रहे हैं, ये कंटिन्यू आएंगे। मेरे सामने आप जो देख पा रहे हैं जेसीबी प्लांट भी है, एक बार भैया उधर दिखाना उस बिल्डिंग की तरफ, अक्रॉस वाटर टैंक की तरफ दिखाना। यहाँ G20 इंडस्ट्रीज एरिया भी डेवलप किया हुआ है, यहाँ जेसीबी के असेंबलिंग प्लांट्स भी हैं, और भी महिंद्रा सेज के, हल्का सा जूम करके दिखाओ, मैं भी शायद ना दिख रहा हूँ, इधर के भी दिखाओ राइट वाले भी। ये सारी प्रॉपर्टी जेसीबी की, महिंद्रा सेज की, G20 इंडस्ट्रीज एरिया की, इन सब की है, और ये रनिंग प्रॉपर्टीज हैं, काम में आ रही है आज की डेट में। और इसी के साथ में इस रनिंग रोड के ऊपर 250 फीट सेज रोड के बाद में अब आप देखिए वीआरबी पर निकले हो। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है 250 फीट रोड पे खुलता हुआ है और एग्जैक्टली वो फ्रंट में है, डन। और जैसा कि हम शुरू से देते हुए आ रहे हैं कि एंट्री गेट आपको हमेशा बड़ी रोड पे देते हैं, चारों तरफ वॉल बाउंड्रीज करते हैं, सिक्योर करते हैं, सीसीटीवी कैमरा, बूम बैरियर एवं सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ में एंट्री आने जाने वालों के सब की बखूबी हम करते हैं। वॉल बाउंड्रीज सिक्योर्ड रहती है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंट्रेंस जैसे कि यहाँ तक कि आपकी 250 फीट की रोड एंट्री रहेगी। अब आप नोटिस कीजिएगा कि क्या क्या हम यूनिक पॉइंट देते हैं। जैसे एंट्री गेट हम मोस्टली सभी प्रोजेक्टों में बड़ा देते हैं, एक अलग से सुसज्जित करते हैं, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का पूरा विजन का ध्यान रखा जाता है, ऐसा आपने हमारे अदर प्रोजेक्टों में देखा होगा। टाइल्स रोड भी देख लीजिए, फैसिलिटीज देख लीजिए, देख पा रहे हैं बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरा, ईटीसी, ये सब कुछ आपको फैसिलिटीज हमारे सभी प्रोजेक्टों में देखने को मिलेगी। मैं आपको जो प्रॉपर्टी आज दिखाने वाला हूँ अंदर से, वो वीआरबी पलनिकलेव का ही पार्ट रहने वाली है और वो इस 250 फीट सेज रोड की कनेक्टिविटी से रहेगी। हाँ ये बात ज़रूर है कि वह प्रॉपर्टी 160 फीट रोड पर खुलती हुई होगी, जो कि इस वीआरबी पलनिकलेव के बैक साइड से आपको अराउंड से कनेक्ट करती हुई नज़र आएगी। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये पूरा जोनल है जो कि जयपुर का रहने वाला है। अब इस तरह से आप सब जानते हो ये 1148 फीट चौड़ा रोड जो रिंग रोड है, ये U1 और ये U2 जोन है। अब आप ये नोटिस कीजिएगा कि यहाँ सिटी सेंटर आ गया आपका पूरा जयपुर का, और यहाँ से अजमेरी गेट से होते हुए ये सीधा जो रोड आ रहा है, इस पूरे रोड को रिंग रोड के बाहर तक भी अजमेर रोड ही माना जाता है, डन। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो 250 फीट सेज रोड हमने शुरुआत करी थी, ये मुहाना मंडी के सामने वाला रोड था जो जयपुर एयरपोर्ट से लेकर किशनगढ़ एयरपोर्ट तक के लिए जाता है, इसको आज की डेट में हम 250 फीट सेज रोड भी बोलते हैं, डन। और यहाँ इस पॉइंट पर खड़ा होकर मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी, उसके जस्ट बाद मैं आया इस पॉइंट पे ताकि आपको महिंद्रा सेज का वेलकम एंट्री गेट दिखा सकूं, जो अजमेर रोड से कनेक्टेड हो रहा है सीधा, जो 3 किलोमीटर लंबा भी है। उसके बाद में मैं आया इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे खड़े होकर मैंने आपको इस रोड के बारे में बताया, डन। अब आप नोटिस करना कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कनेक्टिविटी किस तरह से है। ये सीधा पूरा 250 फीट का सेज रोड आ रहा है, इस 250 फीट रोड पे आपको सामने की तरफ देखने का भी
ये 160 फीट का रोड आ रहा है, डन। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये G20 इंडस्ट्रीज एरिया से जो कि बगरू की तरफ से आ रहा है, ये वाला 160 फीट का रोड रहेगा जो VRB पर निकले हो के बाहरी कॉरिडोर से होते हुए निकल के जा रहा है और वापस जाके कनेक्ट भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल वापस 250 फीट से एज रोड से कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ में ये देखो एक ये वाला रोड, दो तीन, इस तरह से अलग अलग कनेक्टिविटियों से ये रोड जुड़ा हुआ है जो कि आज की डेट में आप नोटिस कर पाओगे कि सारे अप्रूव रोड पड़े हुए हैं। अब ये VRB पर निकले हो के बाहरी छोर पे 160 फीट रोड मोस्टली इस वाले रोड से कनेक्ट होती है और इस रोड की इस वाले गैप में मैं आपको कुछ प्लॉट दिखाने लेके जा रहा हूँ जो कि R6 और R7 है, डन। तो चलिए आप मेरे साथ, एज पर आपने अदर प्रोजेक्टों में देखा होगा वाटर हार्वेस्टिंग दिया हमने, हर तीन मकान के स्पेस के बीच में हमने FC बॉक्स सेट किया जिससे इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपको यहीं से मिलते हैं। उसके बाद में आपने देखी होगी सौर ऊर्जा से चलने वाली रोड लाइट, और अब देखिए आप ये ग्रीनरी जो कि आपने हमारे सभी प्रोजेक्टों में देखी होगी, प्लांटेशन करते हैं उसके बाद में उसकी ग्रोथ होती है, पेड़ों के रूप में हरियाली से हरा भरा सुसज्जित हमारे सभी प्रोजेक्ट हैं जैसा कि आपने देखा होगा। अब आप ये नोटिस कीजिए कि टाइल्स रोड जो कि इजी टू मेंटेन है वो, और उसके बाद में अब सबसे यूनिक पॉइंट आप देखिए प्लॉट डिमार्केशंस एंड रूल रेगुलेशंस ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शंस। एंट्री वही 250 फीट रोड से ही है जो कि मैं दिखा पाया था आपको, और आप प्रोजेक्ट के जो व्यूज़ देख पा रहे हैं ये एज पर वैसे ही हैं जैसे हमारे अदर प्रोजेक्टों में आपने अब तक देखे हैं। मैं आपको इस प्रॉपर्टी को अब अंदर से विजुलाइज करवा के लेके आना चाहता हूँ। चलिए, 160 फीट रोड की जो मैं बात कर रहा था ना, बिहारी पलन के बैक साइड से आ रहा है, अक्रॉस कर रहा है, वो ये वाला 160 फीट का रोड है, अपकमिंग है, अप्रूव्ड है। अब इसके 160 फीट रोड के कॉरिडोर के अंदर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये 80 फीट का है, इसके उस तरफ वाला हिस्सा फिर 80 फीट का है, और ये 160 फीट का रोड का जो मैप है, जो ड्राइंग है, वो VRB पर निकले होकर राउंड करती हुई सीधी निकल के जा रही है जैसा कि मैंने आपको मैप में भी अभी दिखाया। तो चलो मैं प्रॉपर्टी को अंदर से दिखाता हूँ और फिर उस प्लॉट को भी दिखाता हूँ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आप मेरे सामने वॉल बाउंड्री देख रहे हैं, वहां से लेके ये पूरा एरिया, टू बी कंटिन्यू दिखाओ भैया, पूरा एरिया जहाँ वाटर पॉन्ड्स भी बने हुए हैं, मतलब संग्रह किया जाता है पानी का, यहाँ टेम्पल बना हुआ है, आपके आवर हेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिए हुए हैं, ओपन डिस्कशन जोन दिया हुआ है, एक्टिविटी जोन दिया हुआ है, सौर ऊर्जा पैनल्स भी लगे हुए हैं ताकि सौर ऊर्जा के द्वारा ये रोड लाइट जलाई जा सके, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेम्पल, गजेबो, मतलब वो जो फैसिलिटीज आपने हमारे अभी अदर प्रोजेक्टों में देखी वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे भी है। और इस प्रॉपर्टी के सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये प्रॉपर्टी अभी तो और एक्सटेंड होगी। एक्सटेंड होने के लिए मैं आपको मैप स्टडी कराता हूँ किस तरह से। आप मेरे सामने वो लेफ्ट में देख पा रहे हो जहाँ बाजरा रिसेंटली उगा हुआ है, और ये वाला पूरा फेस अभी नया एक्सटेंड होगा। सामने एक और वॉल बाउंड्री नहीं हो रखी, आप नोटिस कीजिए, एक बार प्यूज करके चलो मेरे साथ। मोस्टली आपने देखा होगा कि हम सारी प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं वॉल बाउंड्री से, यहाँ वॉल बाउंड्री हमने उस तरीके से नहीं दिए जैसे कि हम मोस्टली इस तरह की देते हैं। जहाँ हमने वॉल बाउंड्री नहीं दी वहाँ हमारी प्रॉपर्टी एक्सटेंड होती है, ऐसा आपने पहले भी देखा है और आगे भी ऐसा होगा। इसके लेफ्ट में और इस वॉल बाउंड्री के जस्ट बैक साइड में, मीन्स ये वाले एरिया अभी तक हमारी परचेजिंग प्लानिंग में चल रहे हैं, और VRB पलन के लिए और भी एक्सटेंड होगा और वो एज सून एज पॉसिबल होने वाला है। अभी रिसेंटली जहाँ मैं खड़ा था टेम्पल एरिया, वो ये है जहाँ मैंने कैमरा किया था, वॉल बाउंड्रीज से लेस बताया था, भाई यहाँ वॉल बाउंड्रीज नहीं है, वो एरिया वो है। ये एक ब्लॉक हमने यहाँ पे निकाला था, लेकिन इस एरिया के अंदर, मतलब इस ब्लॉक के लास्ट के भी अंदर हमने दीवार नहीं दी है, ना ही लेफ्ट में दी है, तारबंदी दी हुई है। एक चीज क्लियर करता हूँ दोस्तों, VRB पलिंग के पूरे 200% चांस है कि एक्सटेंड होगा, क्योंकि बुकिंग्स जो होती है ना, टोकन्स वगैरह सब हमारे गए हुए हैं, और ये प्रॉपर्टी आगे और भी एक्सटेंड होने वाली है। अभी मैं रिसेंटली जहाँ चलने वाला हूँ, जिस प्लॉट को दिखाने के लिए पूरी जिज्ञासा है हमने यहाँ लगा रखी है, वो 160 फीट का रोड जो मैंने अभी स्टार्टिंग में से टाउनशिप में एंट्री करते दिखाया था, जिसका मैंने जोनल में भी जिक्र किया था, वो प्लॉट लगभग यहाँ रहने वाला है, और मैं आपको इस वाले रोड से होते हुए आपको उस प्रॉपर्टी पे लेके चलता हूँ जो 160 फीट रोड पे रहने वाला प्लॉट है। ये प्लॉट डिमार्केशन आप देख रहे हो ना, जो ये अभी न्यूली परचेजिंग के अंदर हमारे पास आया है, VRB पलन क्लेव का ये हिस्सा नहीं रहा था, सेकंड परचेजिंग में ये आया। अभी रिसेंटली जो आप वॉल बाउंड्री देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे, मतलब वहाँ पे उस जो एक टीवा से दिख रहा वाटर टैंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हल्का सा वाटर टैंक दिखाना भैया, वहीं हम खड़े थे इस वक्त। ये रोड रहने वाला है एक्चुअल में, वो रोड जो 160 फीट रोड का है, इस डिमार्केशन से लेके, आप इस डिमार्केशन से लेके और ये वाली दूरी दिखाइए और वो वॉल बाउंड्री दिखाइए, मतलब ये टोटल दूरी जो आ रही है ना,
जो 160 फीट की चौड़ाई से आ रही है, वो दूरी दिखा दो एक बार दीवार तक की, और ये वाली जो सामने मेरी प्लानिंग आप देख पा रहे हैं, ये भी वीआरवी प्लानिंग क्लेव का ही एक हिस्सा है, और इसकी प्लानिंग जो हुई है परचेजिंग की वो सेकंड प्लानिंग के साथ रही थी। मीन्स वीआरवी प्लानिंग क्लेव में कुछ हिस्सा और जब एड ऑन हुआ था तब ये वाली प्लानिंग आई थी जहां मैं अभी रिसेंटली खड़ा हुआ हूँ। और ये जो टू बी कंटिन्यू आप मेरे प्लॉट देख रहे हो जिसके ऊपर लिखा हुआ है RF 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ये वाले वो प्लॉट हैं जो एकल पट्टा पर रेजिडेंशियल है, बट ये एकल पट्टा है तो प्रॉपर्टी का नेचर चेंज किया जा सकता है। 160 फीट रोड की प्रॉपर्टी है तो नो डाउट कॉमर्शियल यूज की जा सकती है, कॉमर्शियल कन्वर्ट भी की जा सकती है 160 फीट रोड पे। एक बार आप यूज करके यहाँ आगे तक आओ, चर्चा कर रहा था RF 6 और 7, यह प्लॉट 160 फीट रोड पे खुलते हुए हैं। मैं अब तक इस वीडियो में जो बने हुए थे ना, मोटिव केवल एक था कि मुझे दिखाने थे आपको RF 6 और RF 7। ये प्लॉट मार्किंग है जो कि अप्रोक्सीमेटली 41-42 का फ्रंट इसमें भी है, 40 के आसपास तक का फ्रंट इसमें भी है, 130 फीट की इसमें गहराई है। मैं कह सकता हूँ मोटे मोटे शब्दों में दोनों प्लॉटों को मिला के 80 का फ्रंट है, 130 तक की डेप्थ है। यूनिक पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ जो आप डिमार्केशन देख रहे हो, जो एक पट्टी सी लगी हुई है, इससे एक रोड जाएगा जो कि हमारे वीआरवी पलन के लिए एक्सटेंड होने वाली प्रॉपर्टी के अंदर एड होगा। जहां मैं खड़ा हूँ ये वाला हिस्सा लगभग 160 फीट चौड़ाई के साथ में ये रोड रहेगा, और चूंकि ये प्रॉपर्टी बड़ी रोड पे है तो आप कल को मीन्स आने वाले 2-5-10 साल बाद में भी अगर रेजिडेंशियल है कोठी के हिसाब से कुछ प्लानिंग करना चाहोगे तो आपके लिए बेस्ट है। वर्तमान टाइम में किसी को वेयर हाउसेस या यार्ड देना हो तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ, दे सकते हो आज की डेट के अंदर। और सबसे यूनिक पॉइंट, यह प्रॉपर्टी एकल पट्टा रेजिडेंशियल भी कन्वर्ट होने वाली प्रॉपर्टी है, आप इसको रेजिडेंशियल कर सकते हो। एकल पट्टा मीन्स हो जाता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे केवल एक हमारा अकेले का स्वामित्व है, वो प्रॉपर्टी जिसकी साइज के ऊपर केवल मेरे अकेले का ही नक्शा अप्रूव हो सकता है, मतलब अकेले का ही पास है। तो आप इसको G+9 अप्रूव करवा लो, आप इसको वेयर हाउसेस अप्रूव करवा लो, आप इसको कॉमर्शियल अप्रूव करवा लो, क्योंकि ये बड़ी रोड पे तो आसानी से अप्रूव भी हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और एक इन्वेस्टमेंट वाली प्लानिंग भी करते हैं तो आप इसको इन्वेस्टमेंट के एवज में रखो। कल को आपको यहाँ पे कोई होटल इंडस्ट्री से चाहिए हो, आपको कल को यहाँ पे पीजी चलाना हो, क्योंकि यहाँ पे सेज वगैरह इतने स्कूल कॉलेज वगैरह नियर बाय में है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकता हूँ आप यहाँ से रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हो बाय पीजी, बाय होटल, बाय रूम्स, जैसा भी आपकी प्लानिंग हो। यहाँ आप स्टूडियो अपार्टमेंट वाले अप्रूवेशन भी ले सकते हो, बहुत सारे इस प्रॉपर्टी के नेचर रह सकते हैं यदि आप चाहते तो। और आपका चाहोगे कैसे, आपको नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करना पड़ेगा ताकि मैं इस प्रॉपर्टी को अच्छे से जितना वीडियो में कैप्चर कर पाया। मैं नो डाउट के बहुत कुछ इसमें दिखाने कोशिश की है मैंने, लेकिन विजुलाइजेशन के लिए सबसे पहले चाहिए होता है कि हम प्रॉपर्टी पे जाएं, खुद 1-to-1 देखें। ये एक डायरेक्शन मात्र है, आपको प्रॉपर्टी को खुद आके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इस तरह से एहसास करना पड़ेगा भाई ये प्रॉपर्टी मेरे लिए किस तरह से फायदेमंद रहने वाली है। लेकिन एक चीज कह सकता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ आपको प्रॉपर्टी देने नहीं आया हूँ, यहाँ हम एक पेड़ लगाने आए हैं जो ग्रोथ करेगा और वो आने वाले टाइम पे आपको पैसों का देने वाला पेड़ कहलाएगा। वो कैसे, मोस्टली इन्वेस्टर 50-60-40 हज़ार रुपये गज तक की रेट की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर हम महिंद्रा सेज में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जहाँ इतनी बड़ी प्लानिंग 3,000 एकड़ जमीन केवल महिंद्रा सेज के लिए रिजर्व है, 13 किलोमीटर की लंबाई, लगभग 3.5 किलोमीटर की चौड़ाई, जहाँ रेजिडेंशियल के अंदर ऐसी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है जो बिल्डर काफी अच्छा नामी गिरामी हो और वो यहाँ पे ना हो। डन, आप एजुकेशन में चल जाओ, ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं जो पूरे जयपुर में या पूरे राजस्थान में कवर कर रहा हो, एक अच्छा सिलेबस देता हो, एक अच्छी स्टडी देता हो, मार्केट में नाम हो और उसकी ब्रांच यहाँ पे ना हो। आईटी सेक्टर का ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जो यहाँ ना हो, मीन्स ऐसी कोई थीम बची नहीं काम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, एंजॉयमेंट से रिलेटेड, हर एक चीज आप पिंक पर ले लो, मेडिकल हब ले लो, वेस्ट वे हाईवे ले लो, और अजमेर रोड जो ग्रोथ मार रहा है ना दोस्तों, आप उस पॉइंट को लेस मत करो इसमें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सीधे सीधे डायरेक्शन दे रही है कि ये रिंग रोड से कनेक्टेड है, अजमेर रोड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप ये नोटिस करना, आज की डेट में बागरोटा फ्लाईओवर का काम चल रहा है, कमला नेहरू फ्लाईओवर का काम चल रहा है, मेडिकल हब रिजर्व हो गया, RSBT का बस स्टैंड अप्रूव हो चुका है, ठीक है, वेस्ट वे हाईवे हो गया, ये सारे डेवलपमेंट के कम पड़ रहे हैं। रिंग रोड का सेकंड फेज तैयार हो गया और रिंग रोड के फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को जोड़ने के लिए जिस सर्किल का उपयोग किया जा रहा है वो भी यहाँ से पास में, DPS आपका और किड, जय श्री परिवार, सेंट जेवियर्स, नीरजा मोदी, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, आपकी इंफोसिस, दुनिया भर के क्या कुछ नहीं आ रखा है यहाँ पे। एक वो प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टमेंट के एवज का एंगल रखती है
मीन्स कैसे कि कम बजट में हो, सस्ती हो, बड़ी रोड पे हो, वो सारी क्वालिटीज इस प्लॉट्स में अवेलेबल है। निर्णय आपका होगा, मैं केवल सजेस्ट कर सकता हूँ। प्लानिंग आप जैसे भी करना चाहें वो आप पे डिपेंड करती है। वीआरबी ग्रुप से जुड़ के कीजिए या किसी और बिल्डर के साथ जुड़ के कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमेशा कम रेट की प्रॉपर्टी में ही करना चाहिए, नो डाउट। यदि प्रॉपर्टी की जो सामने की रोड है, फ्रंट जिसको हम कहते हैं कि रोड व्यू जिसको हम कह सकते हैं, अगर वो सेक्टर रोड का है, 60, 80, 100, 160, 200 इस तरह के बड़े रोड का है, तो नो डाउट वो प्रॉपर्टी पोटेंशियल होने ही वाली है, आज हो या कल। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो कल का भी विचार नहीं करोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की सीधी परिभाषा है कि 5 से 10 साल के लिए मैंने छोड़ दिया और इसको मैंने पैसे को, पेड़ को बड़ा होता हुआ मुझे देखना चाहता हूँ, मैं लगा पाऊँ नहीं लगा पाऊँ, लेकिन आप लोगों का पैसा ऐसी जगह लगाऊंगा जहां से आपको प्रोटेक्शन मिल सके, ग्रोथ मिल सके। आपको यदि इस प्लॉट की साइज समझ में आती है, इसके रोड समझ में आते हैं, तो आप नीचे के नंबरों पर कॉल कीजिए, नो डाउट डेवलपमेंट थीम क्लियर है। दोस्तों मेरे जस्ट बैक साइड में मींस इस एरिया से वीआर पर निकले होकर 250 फीट सेज रोड से अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 किलोमीटर की डेप्थ में सेज के नियर बाय से अलग से कॉमर्शियल, जो कि मैं कह सकता हूँ ना रिंग रोड के नियर बाय में रेलवे चलने वाला है, ऐसा कुछ वो पटरियां जाने वाली है रिंग रोड के, जिसको हम कहते हैं जैसे रिंग रोड बोलते हैं उसको बोलेंगे रिंग रेलवे, जो कि सूरत में भी इस तरह का देखा गया है कि कॉमर्शियल यार्ड बनाए गए और वहां के सामान को आयात निर्यात के लिए रेलवे का यूज किया गया, ऐसा प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग आ रही है बैक साइड में। आपको 250 फीट सेज रोड पर मेट्रो का मैंने प्रावधान बताया, बाकी 250 फीट रोड या 160 फीट रोड भी अपने आप में कहने को बहुत कुछ है, अजमेर रोड जैसी कनेक्टिविटियां क्या कुछ नहीं है। आप इस जगह का चुनाव कीजिए, नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए, आप लोगों का प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने अब तक मेरे लिए जो साथ बनाया, मुझे प्यार दिया, वो सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।